अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशल ईद दावत ब्लॉग। और आज था सेकंड डे ईद का। उम्मीद करती हूँ कि सबकी ईद बहुत अच्छी जा रही होगी। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। चलें जी स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी डिशेज़ को, ठीक है। और आप इससे बहुत से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। सही है, सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया और मैं चिकन को करूँगी डीप फ्राई। जब भी इस तरह से आप कोई भी मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई बनाएं तो आपने पहले चिकन को या मटन को या कुछ भी सालन चिकन का बना रहे हैं तो उसको चिकन को फ्राई करना है ताकि उसकी बोटियाँ टूटे ना। उसे अच्छे तरीके से आपने क्रिस्पी सा कर लेना है, ठीक है, लाइट ब्राउन सा, सही है। और फिर निकाल लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए 2 टेबल स्पून जो है ऑयल के, और ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज मैंने 4 बड़े प्याज लिए थे और उनको फाइन चॉप कर लिया था। और मैंने जो है इसे अब मैं लाइट ब्राउन करूँगी, सही है। और लाइट ब्राउन होने तक हम फिर इसमें डालेंगे जी, जब ये कलर चेंज कर लेगा तो हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जिसमें मैंने हरी मिर्च डाली होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.5 मैंने टेबल स्पून डाल दिए। 4 भरे टमाटर, ठीक है, वो मैंने डाले जो कि मेरे पास फ्रोज़न ऑलरेडी कटे हुए पड़े होते हैं, वो मैंने ऐड किए। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करके रख लेना तो आपकी स्पेशली दावत में बहुत ईज हो जाता है ना। निकाली चीज़ें बस फटाफट डाल दी। अच्छा, अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कोई 1 मिनट के लिए पकने देना। जब ये अपना पानी प्याज छोड़ देगा, टमाटर अपना प्याज छोड़ देगा, फिर आपने स्पाइसेस डालने हैं। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया, मैंने फिर इसमें हल्दी ऐड की, सही है, पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की 1 टेबल स्पून, साथ ही मैंने इसमें ऐड किया सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, इसके अंदर मैंने ज़ीरा कूटा हुआ ऐड किया 1 टेबल स्पून, सही है, और कूटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड किया। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब ऑयल छोड़ देगा मसाला तो इट मीन्स आपका मसाला रेडी हो गया। फिर आपने अपना फ्राई किया हुआ चिकन इसके अंदर जो है ऐड कर देना है, सही है। उसके बाद इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 5 से 10 मिनट तक आपने ऑलमोस्ट चिकन की भुनाई करनी है इसमें बहुत अच्छे तरीके से, सही है। जितना अच्छा आपका चिकन भुना हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी कढ़ाई बनेगी। ये इसको कर दिया मैंने साइड पे। दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ जी पुलाव की। चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 बड़ा प्याज लिया रफली, इसको चॉप करके अंदर डाल दिया। इसको ब्राउन करना है मैंने अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं चावलों का कलर चाह रही हूँ थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा, पुलाव का मुझे ज़रा तेज़ रंग वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला था जब वो ब्राउन हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यखनी मैंने पहले से बना के रख ली थी ना चिकन की, ठीक है, साथ ही मैंने इसमें टमाटर ऐड करना है। 1 ही टमाटर मैंने इसमें लिया है और वो मैं ऐड करूँगी, सही है। फटाफट से चीज़ें मैं बना रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि ये प्री प्लान दावत नहीं थी, सडन दावत थी, तो मैंने बस फटाफट जो कर सकी थी 2 घंटे के अंदर वो मैंने किया। अच्छा, इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली, इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के, सही है। फिर इसके अंदर मैंने सूखा धनिया डाल लिया 2 टेबल स्पून भर के। फिर इसके अंदर जी मैं ऐड कर रही हूँ जनाब ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून भर के। चिली फ्लेक्स डाले मैंने 1/2 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब मैंने जो चिकन बॉयल किया हुआ था, हड्डी वाला मैंने सिर्फ चिकन लिया था ताकि उसकी यखनी अच्छे तरीके से निकल जाए, वो मैंने इसमें ऐड किया, साबुत गर्म मसाले डाल दिए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा तैयार हो गया मसाला पुलाव का, और उसमें मैंने पानी चावलों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल लेना है, सही है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चपली चिकन के जो है ना कबाब बना रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने चिकन का ले लिया था कीमा 1/2 kg, ठीक है, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है कुटा हुआ 1 टीस्पून। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जी काली मिर्चें 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी जी। अब मैंने ये जो इसमें ऐड किया है ये था जी टिक्का मसाला, और उससे पहले मैंने जो ऐड किया था वो था तंदूरी मसाला। दोनों को 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, चॉप किया हुआ प्याज और साथ ही इसमें चिलीज ऐड की, ठीक है। इस तरह आपने कबाबों की शेप दे देनी है, डिपेंड करता है ऐसे बना ले या मुट्ठी बंद नहीं होते वो बना ले, आप पे डिपेंड करता है। और 1 बाय 1 मैं अब इनको फ्राई शैलो फ्राई करना है, ठीक है, बिल्कुल नीचे से आँच हल्की कर देनी है और ऊपर से पकने देना है ताकि चिकन अच्छे से बन जाए, बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने माँस की दाल को लगाया तड़का, ठीक है। माँस की दाल मैंने रेडी कर ली हुई थी और उसको मैंने देसी घी का जो ये ऊपर से तड़का लगाया, सही है। यहाँ पे मैं रशियन सैलेड की कर रही थी तैयारी। रशियन सैलेड की तैयारी में मैंने क्रीम ले ली, चीनी ले ली, काली मिर्च ले ली, नमक ले ली, ठीक है, हसबिज़ा का, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। साथ सेब डाल दिए, केले डाल दिए, गाजरें कश करके डाल दी, पास्ता था, पास्ता मैंने बॉयल करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं रशियन सैलेड के लिए आप वो झटपट से कट करके इसमें डाल दें। इसमें मैंने बिल्कुल 2 टेबल स्पून के करीब दूध लिया और अब मैं इसके अंदर नट्स डालूंगी, ठीक है। रोस्ट किए हुए नट्स मेरे पास पड़े हुए थे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैंने डिश आउट कर दिया, सही है। एक हमारी ये डिश भी रेडी हो गई। अच्छा, वहाँ ऐसी लाइन वाइज चीज़ें बनती जा रही थी और मैं वीडियो क्लिप बनाती जा रही थी और वह मैंने इस तरह ना मर्ज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं मीठे में ज़रदा बना रही थी, चावल बॉयल कर लिए थे, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऑयल डाला। अब इसके अंदर मैं इलायची दाना डालूंगी, इलायची को खोल के, ठीक है। और साथ ही अब हम इसमें दूध के अंदर जो है ना मैंने फूड कलर डाला और वो मैं इसमें ऐड करूंगी। जितने चावल होंगे उतनी ही चीनी लेनी है, ठीक है। अगर 1 कप चावल हैं तो 1 कप ही चीनी लेनी है। मैंने 1 कप भर के जो है ना चीनी का 1.5 कप लिया था, ठीक है, क्योंकि 1.5 कप चावल थे मेरे पास, सही है। अच्छे तरीके से इसको मैंने बहुत प्यारे प्यारे हाथों से आपने जो है ना इसको मिक्स करना है और ऊपर से दे दिया दम। यहाँ पे हमारा जर्दा भी तैयार होने लगा, बड़ा इजी और क्विक सा जर्दा मैंने बनाया था, सही है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन पॉपकॉर्न, ये भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। हमारी चिकन कढ़ाई डन थी, मैंने ऊपर से गार्निशिंग दी, धनिया मिर्चें और जिंजर, ठीक है। इस तरह मैंने ये करके ये हमारी डन हो गई, ठीक है। इसको मैंने साइड पे कर दिया, सही है। पुलाव भी मेरा साथ ही डन हो गया था, वो भी मैंने बना लिया था, ठीक है। उसका वो क्लिप मुझे मिल नहीं रहा जिसमें मैंने चावल ऐड किए थे, लेकिन वो सबको पता ही है कि चावलों की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डाल दो। दम से हटा लिए थे मेरे चावल। अब मैं यहाँ पे कर रही थी डिश आउट कर रही थी चीज़ों को, ठीक है। पुलाव बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा यम्मी पुलाव बना था, ठीक है। क्विक झटपट सी ये दावत थी, तो मेन मेन चीज़ें जो है मैंने बड़ी जो मैं आपको रेसिपीज दिखा सकती थी वो मैंने आपको दिखाई, सही है। ये जी हम लोगों का पुलाव रेडी हो गया, सही है। उसके बाद जी पुलाव भी मैंने डिश आउट कर दिया। अब हम अपनी चिकन कढ़ाई को डिश आउट करेंगे जी जनाब। डिश आउट ये चिकन कढ़ाई होगी डिश आउट। अच्छा, ये अब मैं बहुत मज़े की बनी थी, ये भी बहुत यमी बनी थी, सही है। और चिलीज़ का बहुत इसमें गार्लिक का, चिलीज़ का, ठीक है, जिंजर का इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये भी बहुत अमेजिंग बनी थी। यहाँ पे मैंने माश की दाल पहले से रेडी की हुई थी, इसकी भी ऊपर से मैं गार्निशिंग कर रही थी, सही है। देसी घी का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा था। साथ ही मैंने फ्राइज़ भी बना लिए थे चिकन पॉपकॉर्न्स के साथ ना, मैंने कहा फ्राइज़ अच्छे लगते हैं, तो वो एक डिश मैंने ये रेडी कर ली थी, सही है। साथ ही क्या कहते हैं जी, साथ साथ सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, साथ साथ मैं आपको क्लिप दिखाती जा रही हूँ। ज़रदा हम लोगों का रेडी। अच्छा, इसकी मैंने गार्निशिंग जो की थी जी, मैंने मंगवा लिए थे बाज़ार से छोटे मिनी से ये चमचम, तो ये मैंने बस कलरफुल से मंगवाया और मैंने इसके ऊपर कर दी, और साथ ही मैंने इसमें ऊपर से ना नट्स गार्निशिंग कर दी थी सारी, और ये भी बहुत मज़े के बने थे। एंड में थी चाय, सही है। मैं टेबल का क्लिप नहीं बना सकी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।